आपको आम खबर से आगाह करेंगे कि वर्षक बाबू गड्ढी में निजी स्कूल के सामने धमाके के 22 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद पुलिस और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि रेस्क्यू 112 और दीगर इमदादी और फलाही इदारों की टीमें जाय वकूआ पर पहुंच गईं। पुलिस और रेस्क्यू अहलकारों ने जख्मी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, और जबकि धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से करीबी बिल्डिंग के शीशे भी टूट गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले 3 अफराद वर्सक रोड पर चिप्स फरोख्त करते थे और तीनों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SP वर्सक मोहम्मद अरशद खान का कहना था कि बदकिस्मत वाकया 9:10 पर पेश आया। धमाके की नौयत से मुतल्लक BDU की रिपोर्ट पर मजीद तफसीलात शेयर की जाएंगी।